आज हम लोग बनाएंगे मिनी मिल्क कुकीज़। इसे मैंने बिना ओवन के बनाना बताया है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आने से लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हमें लेना है एक बोल, और बोल में हम डालेंगे 20 ग्राम सॉफ्ट बटर, साथ ही में डालेंगे 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर की रेसिपी मेरे चैनल में है, मैं लिंक डाल देती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लीजिएगा। अब बटर और शुगर को 2 से 2.5 मिनट तक फेंटना है, जैसे कि ये एकदम लाइट कलर हो जाए और फ्लफी हो जाए। अब हम एक अंडा ले लेंगे और इसे अलग से फेंटना है, तो इसे हम फेंट लेते हैं। फेंटने के बाद बटर और शुगर वाले मिक्सचर में हम इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे भी हम फेंट लेंगे। फेंट लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून शहद, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, फिर हम डालेंगे 1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/8 कप पाउडर मिल्क और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्न स्टार्च। इन सबको अब स्पैचुला से धीरे धीरे मिक्स करते हुए कंबाइन कर लेंगे। अब इसे हाथ से चिकना होने तक मिक्स कर लेंगे। अगर बीच में ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा बटर हाथ में लगा लीजिएगा। मिक्स कर लेने के बाद इसको 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब बेक करने के लिए हमें कढ़ाई को प्रीहीट करना है, जिसके लिए कोई भी भारी तले के कढ़ाई के बीच में एक स्टैंड रख देंगे और इसको 20 मिनट तक ढककर स्लो फ्लेम में प्रीहीट होने देंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अब जब तक कढ़ाई प्रीहीट हो रही है, हम मिक्सचर ले लेंगे, जिसको रेस्ट करते हुए ऑलरेडी 10 मिनट हो गए हैं। साथ ही में एक स्टील का प्लेट ले लेंगे और एक स्टील के प्लेट के ऊपर में बटर पेपर बिछा लेंगे और फिर थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे अपने हाथ पे और मिक्सचर को इस तरह राउंड करते हुए गोल बना लेंगे। इस तरह देखिए, बॉल का शेप का बनाना है। बस अब इसे रखते जाएंगे और इसी तरह सारे बना लेंगे। तो सारे हमने बना लिए हैं, अब हम इसे बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए हमारा कढ़ाई भी प्रीहीट हो गया है। अब इसको इस तरह बीच में सेट कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। इसे हमें 30 मिनट तक स्लो फ्लेम में बेक करना है। 30 मिनट के बाद अब हम इसे खोलकर देखेंगे। तो ये देखिए, ये बेक हो चुका है, थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। बस अब इस टाइम हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। यह अभी हल्का ठंडा हो गया है, इसे पूरा ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भर के सप्ते भर रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। पर इससे ज़्यादा इसे ना रखें, क्योंकि इसमें अंडा है। तो रेडी हो गया है ये।